नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। नोट बदलने की सीमा कम होने से बैंकों में घटी भीड़। सरकार द्वारा पुराने नोट बदलवाने की सीमा 4,500 से घटाकर 2,000 रुपए किए जाने से शुक्रवार को तुलनात्मक रूप से बैंकों के बाहर भीड़ कम नजर आई। बैंक अधिकारियों का मानना है कि काले धन को सफेद धन बनाने के लिए कतार में लगने वाले दलालों की संख्या घटी है और अब केवल जरूरतमंद ही बैंक आ रहे हैं। हालांकि एटीएम के बाहर अभी भी कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि निकासी की सीमा 2,500 ही है। साथ ही ज्यादातर एटीएम से 2,000 से ज्यादा रुपए नहीं निकल पा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अब भी लोग परेशान हो रहे हैं। बड़े नोटों को चलन से बाहर करने के फैसले के बाद से महाराष्ट्र में स्टाम्प शुल्क संग्रहण में 37% की कमी आई है। स्टाम्प नियंत्रक एवं पंजीकरण महानिरीक्षक एन रामास्वामी ने कहा कि आमतौर पर संपत्ति पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क से रोजाना 63 करोड़ रुपए की आय हुआ करती थी, जो अब घटकर 42 करोड़ रुपए रह गई है। उधर पश्चिम बंगाल में कूच बिहार एवं तमलुक लोकसभा और मोंटेश्वर विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में भी नोटबंदी का मुद्दा छाया रहा। एक खबर के अनुसार नोटबंदी के बाद नए नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अभी तक टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है। एक प्रमुख दैनिक में छपी खबर के अनुसार सरकार की मैसूर स्थित पेपर मिल में प्रयोग के तौर पर कम मात्रा में जो मुद्रा कागज बनाए गए थे, फिलहाल इन्हीं से काम चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरी क्षमता से काम करने पर भी यह पेपर मिल जरूरत के सिर्फ 5% हिस्से को ही पूरा कर सकती है। बाकी बचे हुए पेपर के लिए सरकार अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की कंपनियों पर निर्भर है। एक खबर यह भी आ रही है कि मोदी सरकार बैंकों से नकद निकालने और लेन देन की सीमा भी तय कर सकती है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार यह सीमा कंपनियों के साथ साथ आम लोगों पर भी लागू होगी। बीते दिनों सरकार द्वारा सीनियर टैक्स अधिकारियों और विशेषज्ञों से ऐसे कदम के बारे में राय देने को कहा गया था। दूसरी ओर नोटबंदी के मुद्दे पर मत विभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराने की मांग को लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों समेत विपक्षी दलों के भारी शोर शराबे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद करीब 12:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग की सरकार को नोट अदला बदली के लिए शाही के इस्तेमाल से बचने की सलाह। उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से नोटबंदी मामले में एक साथ सुनवाई करने के लिए याचिका दायर करने को कहा। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस को मरने के 27 वर्ष बाद दफन किया गया। इराक की राजधानी बगदाद में विवाह समारोह में आत्मघाती विस्फोट, 40 लोगों की मौत। भारत के पहली पारी में 455 रन, विराट कोहली ने बनाए सर्वाधिक 167 रन। इतने तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।